दिन भर। मैं हूं शेख जुई, रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहने वाले डॉक्टर क्रोलाल मीना ने चुनाव नतीजे से ठीक पहले एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा सौंपी गई 7 सीटों में से अगर एक पर भी बीजेपी हारी तो वो पद से इस्तीफा दे देंगे। डॉक्टर मीणा ने जिन 7 सीटों की जिम्मेदारी ली है उसमें दौसा, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर और कोटा सीट शामिल है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने वृक्षारोपण को लेकर कहा, अपने काले कारनामों के चलते पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जाएंगे जेल। कांग्रेस के नेता ठेकेदारों से मिलकर पेड़ कटवाते रहे, मारे देश और प्रदेश के, प्रदेश को संकट में डाल दिया। प्रदेश में बढ़ते तापमान और गर्मी के लिए दिलावर ने कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। न्यूड फोटो, वीडियो और वीडियो कॉलिंग कर ब्लैकमेल करने वाले ग्रोह को गिरफ्तार करने में साइबर थाना हनुमानगढ़ ने सफलता हासिल की है। साइबर थाना इंचार्ज डीएसपी अरुण शर्मा ने बताया कि पुलिस ने भादरा में कार्रवाई करते हुए पवन, संदीप और सुमित को गिरफ्तार किया है। तीनों ने इंस्टाग्राम पर 80 फर्जी आईडी बना रखी थी और इन आईडी से न्यूड फोटो, वीडियो, न्यूड वीडियो ब्लैक कॉलिंग कर लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था। तीनों आरोपियों से पुलिस ने 6 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड और 12 ATM कार्ड बरामद किए हैं। वही तीनों से 80 इंस्टाग्राम आईडी और 10 UPI आईडी भी मिली है। थाना इंचार्ज के अनुसार तीनों ने करीब 7 लाख रुपए की ठगी करने की बात को स्वीकार किया है। पुलिस तीनों से पूछताछ में जुटी है और इनके अन्य साथियों की तलाश में भी जुटी है। सुनिए डीएसपी अरुण शर्मा ने क्या कुछ कहा। इस तरह के काम इंस्टाग्राम पे जो न्यूड फोटोज, न्यूड वीडियोज और न्यूड वीडियो कॉलिंग के नाम पे धोखाधड़ी और पैसों का लेन देन हो रहा है, अश्लील सामग्री परोसी जा रही है, जिससे जो युवा हैं या कम उम्र के बच्चे वो पथभ्रष्ट भी हो रहे हैं और साथ में उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है उनको। तो हमने उस दिन रेड डाल के और भादरा से 2 लोग उठाए थे, 2 लोगों को लेके आए, जिनमें एक तो पवन है, दूसरा उस दिन संदीप नाम का एक युवा, इन दोनों को लेके आए थे। इसके बाद में क्या है, एक इनके साथ ही एक और पकड़ा गया। इन्होंने, इनके पास से हमें 6 मोबाइल फ़ोन, 7 सिम कार्ड, 80 के करीब फर्जी इंस्टाग्राम आईडीज और 12 ATM कार्ड, लगभग 10 UPI आईडी, जिनसे ये पैसों का लेन देन करते थे, वो हमने वहां से अनुसंधान से उन चीजों का हमारे पास खुलासा हुआ है। लोकसभा चुनाव के सभी चरण पूरे होने के बाद एक तरफ देश रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है तो वहीं इस बीच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जनता को बड़ा झटका दिया है। NHAI ने देश भर में टोल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। वाहन चालकों को आज से ही सभी टोल प्लाजा पर 5% ज्यादा टोल टैक्स देना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 नतीजे से पहले चुनाव आयोग ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान चुनाव आयोग ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हम लापता नहीं है, यहीं है और हर जगह मौजूद है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा है कि 100 से ज्यादा प्रेस नोटिस, एडवाइजरी जारी हुए हैं। चुनाव आयोग लापता नहीं है, हम हमेशा काम करते रहे। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पार्टी से इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। बता दें, आनंद ने इस्तीफा मंजूर होने से पहले ही भाजपा ज्वाइन कर ली थी। दिल्ली की पानी की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आपातकालीन बैठक के निर्देश दिए। 5 जून को बैठक होगी। बता दें, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सरकार की ये बैठक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पानी की समस्या का समाधान करना होगा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के निहामा इलाके में सोमवार 3 जून को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए जिनके शव बरामद कर लिए गए। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।